हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में हिंदू धर्म में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें से एक त्योहार नागपंचमी भी है और नागपंचमी हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में खास रौनक देखने के लिए मिलती है। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार यदि सांप काटने से मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए नागपंचमी के दिन आपको पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इससे सांप का भय नहीं रहता है। इसके अलावा अकाल मृत्यु भी कभी नहीं होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था, इसीलिए इस दिन अनंत वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिलग नामक सर्पों की पूजा होती है और पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि के सर्जन के लिए जब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की तो एक बार वो बहुत ज्यादा हताश हो जाए और उसके कारणवश क्रोध में आकर उनके आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वो तत्काल सर्प के रूप में बदल गया। इस पर इनपे अत्याचार ना हो ये विचार करते हुए सूर्य देव ने उन्हें नाग पंचमी तिथि का अधिकार दे दिया। तब से नाग पंचमी पर नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ उन्हें भोग लगाने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग को दूध चढ़ाने से और नाग देवता की पूजा करने से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को रात्रि के 12:36 पर हो रही है और जिसका समापन 10 अगस्त रात्रि के 3:14 पर होगा। इस प्रकार 9 अगस्त को ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नाग देवता को रोली, चंदन, चावल समेत आदि चीजों को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। नाग देवता को दूध का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और इसके साथ साथ नाग पंचमी पर कुछ ऐसी भी बातें होती है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या कार्य नहीं करना है। दोस्तों, जब भी आप नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाओगे, दूध अर्पित करने जाओगे, तो आपको दूध को पीतल के लोटे में ही रख के लेके जाना है। तांबे के लोटे में दूध नहीं डालना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध डालने से वो संक्रमित हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है और ना ही वो देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इसलिए पीतल के लोटे में ही दूध भरकर उन्हें अभिषेक करें। इसके अलावा इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ना ही आपको किसी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। आपको अपनी बोली में मिठास रखना है। इस दिन आपको भूल कर भी अपने चूल्हे पर, तवे पर रोटी नहीं सेकनी है, मतलब इस दिन आपको रोटी नहीं बनानी है, तवा नहीं चढ़ाना है गैस पर, ना ही आपको लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाना है। कहा जाता है कि इस दिन खेत में हल भी नहीं चलाना चाहिए और साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी कई मान्यताएं हैं कि कई जगहों पर सुई धागे का भी प्रयोग नाग पंचमी पर नहीं किया जाता है। नुकीली या धारदार चीजों का प्रयोग नाग पंचमी पर नहीं किया जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि नाग पंचमी पर आप ये कार्य भूल से भी ना करें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी पर क्या करना ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले नाग पंचमी पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि करके वस्त्र धारण करने हैं स्वच्छ, और आपको चौकी सजानी है और उस पर नाग देवता की तस्वीर रखनी है और उसके बाद रोली, चंदन, दूध, दही, चावल, फूल अर्पित करने के बाद आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा घी डालकर, चीनी डालकर उन्हें भोग लगाना है और अनंत वासुकी, कुलीर, कर्कट, शंख पद्म, महापद्म और तक्षक अष्ट नागों का ध्यान करते हुए आपको नाग पंचमी की कथा करनी है, आरती करनी है
इस दिन महिलाएं नाग देवता को अपना भाई स्वरूप मानते हुए उनसे अपने परिवार की रक्षा का वचन देने की प्रार्थना करें, फिर नाग देवता को कच्चा दूध, घी और चीनी अर्पित करें। मान्यता है कि नाग पंचमी पर सांपों को दूध चढ़ाने से अक्षपुण की प्राप्ति होती है। नाग देवता की पूजा से घर में धन का आगमन होता है, धन के अनेक स्रोत खुल जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि नाग देवता गुप्त धन की रक्षा करते हैं, तो इसीलिए इनकी पूजा अर्चना आपको नाग पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी दूर होगी और वंश वृद्धि में जो आ रही हो रुकावटें वो भी दूर होती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। गृह निर्माण, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए और कुल की उन्नति के लिए भी नाग की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गोरु या फिर मिट्टी से सर्प की आकृति जरूर बनानी चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है, धन में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है और घर में आ रही विपत्ति भी टल जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि नाग पंचमी इस साल कब मनाई जाएगी, नाग पंचमी पर पूजा किस प्रकार करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कब आपको नाग पंचमी पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल आज मैंने आपको इस वीडियो में दी। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो, आप निरोगी काय को प्राप्त हो, आपके घर में अनुग्रह धन के भंडार भरे रहे, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।